हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अब घर खरीदार रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 रेरा के साथ कंज्यूमर फोरम भी जा सकता है। है सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सो फ्रेंड, यह वीडियो अंत तक देखिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए देखेंगे, घर खरीदारों के हित में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आवास संबंधी समस्याओं के लिए घर खरीदार बिल्डर के खिलाफ रेरा के साथ साथ उपभोक्ता अदालत में भी शिकायत कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि रेरा की धारा 79 यह नहीं कहती कि आवंटी उपभोक्ता अदालत में नहीं जा सकता। ये उपभोक्ता अदालत में आवंटी की शिकायत सुनने से नहीं रोकती। मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष मुद्दा था कि क्या रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 रेरा के लागू होने के बाद घर खरीदार प्रस्तावित आवास योजना के खिलाफ उपभोक्ता कानून 1986 के तहत शिकायतें सुनी जा सकती है। हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्डर के खिलाफ कार्यवाही रेरा और उपभोक्ता कानून के तहत एक साथ चलाई जा सकती है। बिल्डर ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की पीठ ने कहा कि हाल ही में ही एम्पीरिया स्ट्रक्चर बनाम अनिल पाटनी में मामले में सर्वोच्च अदालत ने निर्णय दिया था कि रेरा और उपभोक्ता कानून एक दूसरे के पूरक है। रेरा की धारा 79 उपभोक्ता अदालत या आयोग को आवंटी की शिकायतें सुनने से प्रतिबंधित नहीं करती। कोर्ट ने कहा कि रेरा कानून की धारा 18 में भी इस बारे में साफ है कि इसके तहत दी जाने वाली राहतें अन्य उपभोक्ता उपलब्ध राहतों से प्रभावित नहीं होंगी। इस धारा से स्पष्ट है कि संसद की मंशा आवंटी को पर्याप्त विकल्प देने की है। वह चाहे तो रेरा में शिकायत करे या उपभोक्ता अदालत में। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर की एसएलपी खारिज कर दी। बिल्डर ये कहते रहे कि रेरा कानून बनने के बाद अन्य फोरम पर उसके मामले नहीं जाने चाहिए, क्योंकि रेरा विशेष कानून है जो सिर्फ आवास योजनाओं को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।